हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जब भी कभी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे और आप जल्दी से कुछ बनाना चाहते हो, तो ये आज की रेसिपी खास आपके लिए। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड रवा फिरनी, जिसे आप कस्टर्ड सूजी खीर भी बोल सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच देसी घी। गैस का फ्लेम है हमने जो ऑन कर दी है, और इसको घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। 3 चम्मच इसके लिए चाहिए हमें सूजी, 3 टेबल स्पून, और 4 चम्मच मैं इसके लिए ले रही हूँ चीनी। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर, और इसके लिए मैंने ये जो 750 ml दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है ये। और ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे काजू, बादाम और कटा हुआ बरी कटा हुआ पिस्ता, जिन तीनों को हमने काट लिया। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे किशमिश। ड्राई फ्रूट्स हैं जो, वो आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो हम सूजी को इसमें भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम सूजी को भूनते टाइम कम ही रखेंगे, कम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ सूजी को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इस तरह से भूनना है कि कम फ्लेम पे सूजी अच्छी तरह से रोस्ट भी हो जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। सूजी के भून जाने का पता आपको चल जाएगा, बहुत ही प्यारी सी इसमें से जो खुशबू है वो आने लग जाती है। 3 से 4 मिनट के करीब आराम से हमें लग जाते हैं सूजी को भूनते हुए, तो मुझे 4 मिनट के करीब लग गए हैं। सूजी भून चुकी है तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। अभी हम मीडियम फ्लेम पे है जो इसको पकाएंगे, तो हमने इसको लगातार चलाते रहना है। सूजी है जो वो नीचे नहीं लगनी चाहिए, तो हम ऐसे इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक दूध में एक बार अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता। और सूजी दूध में डालने के बाद बहुत जल्दी पक जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम ये जो कस्टर्ड हमने लिया था इसमें 2 चम्मच के करीब डालेंगे ठंडा दूध, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है ये, और हम इसको मिला लेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से हमने मिला देना, इसमें जो गांठे सी नहीं रहनी चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो इस तरह से आपने कस्टर्ड को जो अच्छी तरह से मिला देना। अभी हम इसको रख देते हैं साइड पे, और जो हमने दूध रखा हुआ है इसको थोड़ी देर पकाते हैं। ये बहुत ही जल्दी दूध है जो वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध है जो वो अभी पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें जो कस्टर्ड वाला दूध मिलाएंगे, तो हमने गैस का फ्लेम कम कर देना और एक हाथ से देखिए ऐसे कस्टर्ड वाला दूध इसमें मिलाते जाना है, और दूसरे हाथ से हम इसको ऐसे चलाते जाएंगे। और इसमें ऐसा जब हम इसको लगातार चलाते हैं तो गांठें बिल्कुल नहीं पड़ती। और कस्टर्ड डालने के बाद ये जो हम फिरनी बनाते हैं एकदम से गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है, तो बहुत ही जल्दी ये जो है बन जाती है। तो गैस का फ्लेम कम रखते हुए हमने इसको ऐसे चला लेना है। ये देखिए हमारी जो रवा फिरनी है पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, तो हम इसमें है जो सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप वो इसमें स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको दोबारा फिर 1 से 2 मिनट के लिए कम फ्लेम पर पकाएंगे। हमने जैसे इसमें ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, आप जैसे चाहें तो इसको पहले घी में रोस्ट करके भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। तो अभी हम ड्राई फ्रूट्स को ऐसे इसमें पकाएंगे, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे अब चीनी। तो चीनी मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब डाली है। मीठा आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हम ये वाली रवा फिरनी बना रहे हैं इसके लिए 3 से 4 चम्मच चीनी बहुत है, अच्छी मीठी इससे ये बन जाती है। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, तो अभी हमारी जो कस्टर्ड वाली रवा फिरनी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। इस फिरनी को आप चाहें तो ठंडा सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको गर्म भी सर्व किया जा सकता है, और अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें जो थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इतनी, बस इतनी गाढ़ी हमने करनी है, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। तो अभी मैं इसको जो मिट्टी के बर्तन आते हैं कुल्हड़, उनमें सर्व कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम ऊपर से इस पर
पिस्ते से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।